और शवेता शेट्टी जब बिग बॉस ओटीटी के घर में थे तो उन दोनों के बीच की नजदीकी साफ तौर पर नजर आई। एक दूसरे के लिए उनका अफेक्शन, उनका अट्रैक्शन भी नजर आया और साथ ही में फैंस और बाकी सबको ये लगने लगा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर धीरे धीरे इन दोनों ने इस बात को कबूल भी कर लिया कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब हाल ही में इन दोनों ने कुछ ऐसी पोस्ट की है जिससे एक बार फिर से साफ तौर पर जाहिर करते नजर आ रहे हैं दैट दे रियली लाइक ईच अदर एंड दे वांटेड टू हैव अ फ्यूचर टुगेदर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हाल ही में राकेश बापट ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं और उसको एक कैप्शन दिया है, ऑन अ डिफरेंट रोड वन लेस ट्रेवल्ड बट इट्स माइन एंड आई नो द डेस्टिनेशन शैल बी वर्थ इट। इन्होंने इस बात से जाहिर कर दिया है कि वो अब एक अलग रास्ते पर आ चुके हैं जिस पर उन्होंने सिर्फ अभी थोड़ी ही दूरी तय की है, लेकिन वो जानते हैं कि वो रास्ता उनका है और वो जानते हैं जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो उनकी जो डेस्टिनेशन है बिल्कुल वर्थफुल होगी। यहाँ पर वो इनडायरेक्टली शमिता के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इन दोनों की मुलाकात हुई है और ये अभी भी एक दूसरे को जानना चाहते हैं और साथ में एक फ्यूचर देखते हैं। तो ये शमिता शेट्टी ने भी अपनी काफी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं और लिखा है When you feel good, you look good। वो कह रही है कि जब से वो राकेश बापट से मिली है तब से उनकी जिंदगी में काफी खुशियां आ गई हैं। वो अपने आप को काफी खुश महसूस करती हैं और जितना वो खुश है उसी प्रकार से वो उतनी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। तो इस तरीके से फैंस भी लगातार उन्हें जानना चाहते हैं कि उन लोगों का ये जो कनेक्शन है वो किस हद तक आगे बढ़ रहा है। तो वो भी अपने फैंस की विश को पूरा करते हुए लगातार छोटी छोटी बातों से अपने फैंस को अपडेट करते रहते हैं। तो इन दोनों के इस कनेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, क्या है आपके विचार, हमसे साझा कीजिए कमेंट सेशन के थ्रू। और ऐसे और भी कई खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।